प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। 5 राज्यों में हुए चुनावों में हुई करारी हार के बाद नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कवायद में जुटा कांग्रेस आलाकमान ने मंगलवार को देर शाम हिमाचल प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया है। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल करते हुए मंडी से सांसद और दिवंगत पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नई अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को 4 सहयोगी नेता यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी दिए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने पूर्व राज्य इकाई अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू को प्रदेश में चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा सुखू को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी का भी सदस्य बनाया गया है, जो चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव का फैसला करेगी। इन सबके अलावा नाराज गुट G23 के अग्रणी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा को संचालन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का 32वां अध्यक्ष बनाया गया है। मंगलवार देर शाम को कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया। नए अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मुकेश अग्निहोत्री अभी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा विधायक हर्षवर्धन चौहान को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। विधायक जगत सिंह नेगी को मुख्य सचेतक का पद दिया गया है। चुनावी वर्ष में क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए चंबा से पूर्व मंत्री हर्ष महाजन, कांगड़ा से विधायक पवन काजल, हमीरपुर से विधायक राजेंद्र राणा और सिरमौर से विधायक विनय कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में हुए मंडी उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को चारों खाने चित करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी सांसद प्रतिभा सिंह के सहारे पार्टी हाईकमान ने सत्ता में वापसी की योजना बनाई है। बीते कई विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। अब उनके देहांत के बाद प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उनके वैचारिक तौर पर प्रतिद्वंदी रहे सुखविंदर सिंह सुखू को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर दोनों घड़ों को हाईकमान ने अधिमान दिया है। सुखू को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी चुना गया है। यह कमेटी टिकट तय करती है। पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जिम्मेदारी सौंपने के साथ ठियोग विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की तैयारी है। आपको यहां बता दे, इस बार कांग्रेस हाईकमान यह पहले ही तय कर चुका है कि प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की जाएगी। वहीं मंगलवार देर शाम कांग्रेस हाईकमान द्वारा पार्टी अध्यक्ष की घोषणा के तुरंत बाद सांसद प्रतिभा वीरभद्र सिंह शिमला से सराहन के लिए रवाना हो गई थी। प्रतिभा सिंह ने आज बुधवार सुबह सहारन के बीमा काली मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। तो वहीं इन सबके अलावा लंबे समय से कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे G23 ग्रुप के अग्रणी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा को संचालन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे कांग्रेस हाईकमान ने मंगलवार देर शाम को 46 सदस्यीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही पार्टी हाईकमान ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ के कार्यों को भी प्रशंसा की है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।